मित्रों कल रघुवीर जी का पुण्यतिथि है अगर वो आज होते तो इक्यानवे वर्ष के होते लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मात्र इकसठ वर्ष कुछ दिन के बाद ही इस दुनिया से चले गए मुझे लगता है कि और मुझे ही क्या उनके सब चाहने वालों को लगता है कि रघुवीर जी के जल्दी जाने का एक कारण और शायद बड़ा कारण यह था कि दिनमान से जिस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया संस्थान ने उन्हें अपमानित करके निकाला उसका दंश जो है उन्हें बहुत भारी लगा था और इसके अलावा जो चीज उनके स्वास्थ्य को खराब करती रही थी उसके पहले से वो था आपातकाल जाहिर है कि रघुवीर जी बहुत हिम्मत और बहुत साहस से उन शक्तियों का विरोध कर रहे थे जो कि जिन्होंने कि बाद में आपातकाल लगाया वो पूरी तरह जयप्रकाश नारायण के साथ थे उनके बिहार आंदोलन के साथ थे और हर तरह से जिस तरह उनका उनका साप्ताहिक उसकी उस काम में मदद कर सकता था एक पत्रकार के रूप में उस रूप में उन्होंने लगातार अपना भरपूर योगदान दिया और पूरी साहस के साथ दिया हालांकि उन्हें ये डर रहा था कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें कि आपातकाल जैसी स्थितियां उनको पहले ही लग रही थी लेकिन फिर भी इस विरोध में उनका भरोसा था और ये काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से किया था तो जाहिर है कि वो एक उस समय की कांग्रेस सरकार के विरोधी के रूप में पहचाने जाने लगे थे यह माना जाने लगा था कि वह इस सरकार के विरोध में हैं और निश्चित रूप से वो थे तो आपातकाल की स्थितियां उनके लिए इस रूप में भयानक थी कि यह सोचा जाने लगा था कि शायद उनकी नौकरी अब न चल पाए क्योंकि जिस तरह पूरी मीडिया पर उस समय कब्जा हो गया था और आज की आज का मीडिया तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है जब, जब उस पर कब्जा हो चुका है हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जब दूरदर्शन और आकाशवाणी ही थे और अखबार ही थे तब उन पर कब्जा करना उन पर उनको अपने हिसाब से चलाना और जब खुलेआम सेंसरशिप लगाई गई हो तब चीज़ों को अपने ढंग से हाँकना कितना आसान रहा होगा तो जाहिर है कि उनके मन में डर था लगातार कि कांग्रेस सरकार के साथ इंदिरा गांधी सरकार के साथ वो नहीं है और विरोध की राजनीति के साथ हैं और सैद्धांतिक कारणों से है तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है और ये आशंका जो है उन्हें लगातार बीमार करती रही एक कारण उनके उनके कवि मित्र और साथी श्रीकांत वर्मा भी रहे जो समय कांग्रेस के बहुत नजदीक थे और उन्हें लगता था कि शायद सांसद भी बन गए थे तब सांसद बन चुके थे तो उन्हें लगता था कि क्योंकि श्रीकांत वर्मा से उनके संबंध खास तौर पर दिनमान में आने के बाद काफी तनावपूर्ण रहे थे तो उन्हें डर और भय था कि वो भी इसमें सहायक हो सकते हैं कि उन्हें हटा दिए जाए श्रीकांत जी के मन में भी शायद ऐसी कुछ बात थी ऐसा उनकी अगर जो संचयन पूरा उनका आया है उसको पढ़ें तो कुछ पत्रों से ऐसी बात स्पष्ट भी होती है या कुछ डायरियों से ऐसी बात स्पष्ट भी होती है तो तभी से उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था और फिर जब ये बड़ा झटका मिला उनको कि दिनमान से हटा दिया गया तो वो लगातार काम तो करते रहे कई ना अच्छे नाटकों के क्लासिकल नाटकों के शेक्सपियर के दो तीन नाटकों के अनुवाद किए और भी कई अनुवाद उन्होंने किए लोरका का अनुवाद किया और लगातार जनसत्ता में रविवार जनसत्ता में मंगलेश डबराल उनसे स्तंभ लिखवाते थे वह भी लगातार वह लिखते रहे इसके अलावा कविता को रंगमंच पर लाने का काम भी वो करते रहे दूसरे साहित्यिक अनुवाद भी उन्होंने बड़े पैमाने पर किए लिखना उनका जारी रहा संगीत उनका खासतौर पर शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत उन्हें बहुत प्रिय था उसे वो सुनते थे उसका आनंद भी लेते थे तो हर तरह से जीवन में वह सक्रिय तो रहे बैठे हताश और निराश बैठे नहीं रहे कई तरह की योजनाएं भी उनके मन में थी लेकिन चूंकि दिनमान से हटाया जाना केवल पद से हटाया जाना नहीं था उनके लिए और उनकी उम्र को कु समय कुल चौवन वर्ष थी और दिनमान से उनका प्रेम जो है जैसे किसी ने कहा भी है शायद उनकी बेटी ने हेमा ने ही मुझे बताया था कि उनकी चार संतानें थी तो दिनमान उनको लगता था कि उनकी पांचवी संतान है तो जब पांचवी संतान जो है उनसे छीन ली गई तो इसका झटका उनको बहुत बुरा लगा बहुत ही भयानक लगा और एक मध्यवर्गीय आदमी साठ साल की उम्र में इतना वृद्ध इतना थका हुआ कभी नहीं लगता कब तो मध्यवर्गी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं जितने कि रघुवीर साय लगने लगे थे लगातार बीमार रहने लगे थे लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनमें फिर भी काम करने की इच्छा और ऊर्जा बहुत थी और आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर थे और एक ऐसी कमेटी के मेंबर थे जिसने कि ये राम जन्मभूमि विवाद के बाद जो सांप्रदायिकता फैली थी सारे भारत में और लेकिन प्रेस काउंसिल ने यह तय किया था कि वो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगी जहाँ की इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिली थी तो खैर वो गए थे उसकी कमेटी की रिपोर्ट को जो जिस दिन वो फाइनल कर रहे थे फाइनल अंतिम रूप दे रहे थे उसी दिन उनका हृदयाघात से देहांत हुआ तो और अंतिम समय तक वो काम करते रहे जब तक कि बिल्कुल थक कर चूर नहीं हो गए ऐसे नहीं हालत हो गई कि लगभग मरणासन हालत में नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा तो एक ऐसे अद्भुत आदमी थे हमारा सौभाग्य था कि हमसे पहले बहुत से ऐसे बड़े कवि हुए जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के और स्रोत बने और एक तरह से ये भी हुआ कि हम लोगों को लगा कि जब हमारे सामने इतने बड़े बड़े कवि हैं तो पता नहीं एक एक पैमाना वो बन गए थे तो शमशेर जी थे नागार्जुन थे त्रिलोचन जी थे और उसके बाद की पीढ़ी में रघुवीर साय हम लोगों के आदर्श थे हमारी पूरी पीढ़ी के लगभग कुछ लोग शायद उनको उतना महत्वपूर्ण कवि न मानते रहे हों लेकिन वह हमारी लगभग पूरी पीढ़ी के आदर्श थे आदर्श कई मायनों में थे कि उन्होंने एक कविता में बिल्कुल नए किस्म का काम किया था और यह अद्भुत बात है कि उन्नीस में मुक्तिबोध नहीं रहते हैं और उनका पहला संग्रह उनके लगभग मरणासन्न होने के समय आता है चांद का टेढ़ा है और उसके तीन साल बाद ही रघुवीर साय का संकलन आता है आत्महत्या के विरुद्ध और वो इतना भिन्न तरह का कविता है इतनी अलग तरह की कविता है अपने अपने सारे पूर्ववर्ती योग के प्रभाव से एकदम मुक्त और एकदम भिन्न कि उस दौर में जबकि रघुवीर शाह है जबकि मुक्तिबोध का स्मरण जो है हम सब लोगों को जो साहित्य से जुड़े थे दिन रात रहता था उनकी कविता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण उस दौर की कविता थी उस दौर में जब रघुवीर साय का यह संग्रह आया तो पूरे हिंदी संसार का उसकी ओर ध्यान गया क्योंकि उसमें बहुत नयापन था कई लोगों ने उसकी अखबारी कहकर भी आलोचना की थी उस जमाने में लेकिन तमाम लोगों ने एक बिल्कुल ही भिन्न स्वर में आई इस, इस कृति का बहुत खुले दिल से स्वागत किया था तो रघुवीर साहब एक हमारे लिए मेरे लिए भी और मंगले डबराल और आदि तमाम लोगों के लिए कई रूपों में प्रेरणा के स्रोत थे मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं 1971 में भटकता भटकता बिना कुछ सोचे बिना ठिकाने की खोज किए दिल्ली चला आया था और दिल्ली स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर नहा धोकर मैं लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे दिनमान चला आया सर्वेश्वर जी से मिला और सर्वेश्वर जी ने मुझे कहा कि आप रघुवीर जी से मिलिए तब तक मैं पत्रकारिता में, में मेरा कोई खास काम खास काम क्या कुछ कुछ लगभग नहीं था एक छोटे से अखबार में जो कि मैं शाजापुर में जो है वो उज्जैन से निकलता था उसके लिए एक छोटा सा संवाददाता जिसका काम कर्मिलाकर सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां लिखना था वही मैंने किया था और कुछ कविताएं लिखी थी और वो ऐसी कविताएं थी कि जिन्हें आज आप देखें तो मुझे भी और दूसरों को भी शर्म आएगी खैर तो मेरे पास कुल मिला के न तो बोलने का कहने का शूर था कुछ नहीं था मेरे पास तो और एक दस हज़ार की आबादी के शहर से उठकर आया था मैं और वो समय दिल्ली की आबादी चालीस पैंतालीस लाख रही होगी तो एक तर भिन्न संस्कृति के और इतने बड़े शहर में आने के बाद मुझे दिनमान ही जो है वो एक आशा की किरण दिखा क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मैं दिनमान जो है अपने छात्र जीवन में खासतौर पर कॉलेज के जीवन में पढ़ा करता था और बहुत नियमित रूप से पढ़ता था और मुझे दिनमान की सबसे पहली प्रतीक्षा रहती थी तो दिनमान पढ़ने का मुझे अभ्यास था मुझे बहुत अच्छा लगता था तो और सर्वेश्वर जी को रघुवीर जी को श्रीकांत वर्मा को प्रयाग शुक्ल को इन सबको इनकी कविता के जरिए भी मैं जानता था तो मैं सबसे पहले दिनमान आया और खैर फिर रघुवीर जी से मुझे मिलवाया गया रघुवीर जी ने करीब जो है मुझसे पहले ही दिन करीब सवा घंटे तक मुलाकात की मैंने अपनी मेरे पास को कुछ और था नहीं बताने के लिए तो मैंने अपनी कविता की डायरी उनके सामने रख दी जिसको कि उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा एक एक कविता पूरी पढ़ी और कुछ कविताएं जो उन्हें क्या कहें अच्छी अच्छी तो नहीं लगी लेकिन लगा कि हाँ ये लड़का कुछ कोशिश कर रहा है तो उन कविताओं को उन्होंने पढ़ा उसमें जो अच्छा, उनको अच्छा लगा वो बताया और एक चीज जो बस उन्होंने मार्के की कही उन्होंने की कि आपके पास एक सामाजिक दृष्टि है तो खैर वो उसके बाद से कुछ लिखने का वहाँ सिलसिला शुरू हुआ तो ये ये सलूक कोई मेरे साथ ही नहीं था ये हर नए लेखक के साथ रघुवीर जी का यही सलूक था उन्हें जो है वो बहुत जो भी कोई नया कोई आदमी कोई नया आदमी यह नहीं कह सकता कि रघुवीर जी ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया नए आदमी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया बात नहीं की काम का काम उसने मांगा हो तो देने से मना किया हो भरोसा ना किया हो तो उसी दौर में मंगलेश डबराल भी आए थे मंगलेश डबराल कुछ पहले आए थे उन्हें काम दिया असगर वजहात को दिया एक हमारे मित्र हैं यादवेंद्र जी जितने लोग उर्मिलेश जो हैं उर्मिलेश भी जो है उन्होंने एक प्रतियोगिता में विवेकानंद पर कुछ टिप्पणी लिख के भेजी थी तो उसे ना केवल जब वो बी ए के ही छात्र थे तो न केवल उसे प्रकाशित किया बल्कि बाद में वो दिल्ली आए तो उनको काम भी दिया तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि नए लोगों को जितना उदारता से उन्होंने स्वीकार किया वैसा कोई दूसरा संपादक देखने को नहीं मिलता यहाँ तक कि जब मैं भी कुछ समय तक जो है संपादक के पद पर रहा तो वो उदारता में अपने आप में नहीं पाता तो रघुवीर सहाय एक हमारे जितने बड़े कवि थे मैं नहीं मानता कि उससे कम छोटे वह संपादक थे दिनमान जैसा आ, समाचार साप्ताहिक निकालना जिस जो छाप रघुवीर जी ने डाली है, वही छाप अंतिम छाप है उसकी ये ज़रूर है कि उसे वासन जी ने बनाया था और वासन जी ने उसकी आधारशिला डाली थी और इस बात के इस ऋण को जो है रघुवीर साहब स्वीकार करते हैं कि अगर उनकी उन्होंने नींव ही कमज़ोर डाली होती तो उनके लिए ये काम करना असंभव होता मुश्किल होता काफ़ी कठिन होता उसको नए ढंग से लाना बहुत बहुत उनके लिए बहुत बहुत, बहुत बड़ी जद्दोजहद होती तो उस नींव पर उन्होंने काम किया और एक रूप में वो उन्नीस से ही जुड़ गए थे उससे और उन्नीस तक उसमें बने रहे और अग्रेजी का उन पर हमेशा से अटूट विश्वास रहा आप देखिए कि उन्नीस मई 1951 की किसी तारीख को वो दिल्ली आए थे और दिल्ली इसलिए आए थे कि उन्हें जब वो एमए पढ़ रहे थे शायद तब उन्हें नौकरी की कोई तलाश थी तो वो इलाहाबाद भी गए थे तब नया प्रतीक जो है इलाहाबाद से निकला करता था तो तमाम लोगों से मिले थे उसमें अगे जी भी थे अगे जी से उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ तो अग् ये ने उनसे पूछा शिक्षा के बारे में कहा उन्होंने कहा कि देखो तुम अभी एम कर रहे हो तुम अंग्रेजी में एम कर रहे हो अंग्रेजी में एम कर लो फिर तुम उससे संपर्क करना तो जब उन्हें अंदाज हो गया कि हाँ रघुवीर शाह ने एम कर लिया होगा तो उन्होंने दिल्ली आने के लिए खुद चिट्ठी लिखी और उन्होंने इसका जवाब भेजा तो उधर से कोई चिट्ठी नहीं आई शायद वासन जी घूमने चले गए होंगे वो काफी घूमने का उनको शौक था इसलिए चिट्ठी का जवाब नहीं मिला या जो भी कारण रहा हो या डाक में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो रघुवीर साहब खुद चले है वो मेरे ख्याल से तब तो 21 साल के भी पूरी तरह नहीं हुए थे और खैर वासन जी से मिले और व जी ने उनको प्रस्ताव दे ही रखा था रखने का लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीन दिन लगे उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में रघुवीर साय को जिस जो एकदम नया नया आदमी आया है जो दिल्ली आया है जिसको नौकरी का प्रस्ताव अग्ञे जैसे उस समय के भी बड़े संपादक ने और बड़े व्यक्तित्व ने दिया है तो उन पर भी उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जो है जब तक ये प्रबंधन ये लिख कर नहीं दिया जाएगा कि मुझसे ये ये काम नहीं करवा पाए जो अखबार में होता है कि आप विज्ञापन लाएंगे आप बंडल बांधेंगे ऐसे तमाम जो छोटी पत्रिकाओं में इस तरह के काम कई बार खुद संपादक भी करता है तो उन्होंने लिखवाया ये कि ये सब चीज़ें मुझसे नहीं करवाई जाएंगी जबकि उनके प्रबंधन ने कहा कि भाई ये लिखना क्या पर्याप्त नहीं है कि हम आप सहायक संपादक हैं और हमने लिख के दिया है कि आप वाद जी की सहायता करेंगे क्या ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है उनका नहीं पर्याप्त नहीं है आपको मुझे ये साफ साफ लिख के देना होगा कि ये ये काम मुझसे नहीं करवाए जाएंगे तो अंत में खुद वैन जी ने अपने हाथ से लिख कर लिया कि कि आपसे ये ये काम नहीं करवाए जाएंगे और ये काम आप करेंगे तब जाकर रघुवीर साहे ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया तो आप देखिए कि एक आदमी में 21 साल के लड़के ने जिसको कि एक काम की तलाश थी एक रोज़गार की तलाश थी और वाशन जी के साथ काम करने की प्रबल इच्छा थी और आप जानते हैं कि प्रतीक जो है अपने जमाने की बहुत अच्छी पत्रिकाओं में गिनी जाती थी नया प्रतीक अलग चीज़ थी और प्रतीक अलग चीज़ थी तो प्रतीक का समय बहुत सम्मान था तो ऐसी पत्रिका से जुड़ने के जुड़ने का जब संयोग आया तब भी उन्होंने अपनी शर्तें रखी और ये जीवन में उन्होंने हमेशा किया बल्कि जी के साथ जब दोबारा जुड़ने का मौका मिला उन्हें दिनमान में तब भी उन्होंने करीब चार साल लगाए दिनमान में आने के क्योंकि उसके पहले वो नवभारत टाइम्स में आ चुके थे और विशेष संवाददाता के पद पर थे करीब छह महीने बाद ही जो है उनसे कहा गया कि आपको दिनमान में जाना है तो रघुवीर शाह इसके लिए तैयार नहीं थे उनको ठीक ही लगता था एक तो दिनमान का क्या भविष्य होगा क्या भविष्य नहीं होगा उन्हें नहीं पता था फिर अभी अभी उनकी ये नई नौकरी लगी थी और नवभारत टाइम्स एक जमा जमाया अखबार था और सबसे लोकप्रिय अखबार था सबसे प्रतिष्ठित अखबार था उस समय का और उनको विशेष संवाददाता के रूप में काम करने का मौका मिला था जो कि कम लोगों को आ, आ, मिलता है और विशेष संवाददाता के रूप में काम करने के अपने लाभ हैं लाभ ये हैं कि आपको देश और दुनिया देखने का मौका मिलता है राजनीति किस तरह बिहेव कर रही है वो देखने का मौका मिलता है मंत्रालयों में क्या हो, हो रहा है ये देखने का मौका मिलता है आपको आ, और आपको संसद में क्या कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई चल रही है क्या क्या हो रहा है क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं ये देखने का मौका मिलता है तो कई तरह के उस तरह के जो उसके प्रोफेशनल लाभ भी जो थे तो उसके आकर्षण से बंधे हुए थे तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं मुझे एक बड़ा मंच मिला हुआ है तो मैं एक छोटे मंच पर क्यों आऊ तो काफी दबाव जी ने भी डाला प्रबंधन ने भी डाला अग् जी बहुत चाहते थे कि रघुवीर शाह यहाँ आज आए आए लेकिन जब तक ये स्पष्ट नहीं हो गया कि अग् जी तब तक अमेरिका या शायद अमेरिका ही जाने की बात थी उनकी कि वो अमेरिका जाएंगे तो उसके बाद रघुवीर शाह काम संभालेंगे और शायद ये बात लिखी लिखी तो नहीं है मैंने लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि शायद वासन जी ने उनको ये समझदारी दी थी कि मैं वहाँ से फिर लौट का इस पद पर आने वाला नहीं हूँ तो मैं एक साल की छुट्टी लेके जा रहा हूँ वैसे लेकिन तुम जो है उसके बाद तुम ही इसके संपादक रहोगे तो इस भरोसे से वो आए करीब मेरे ख्याल से सात आठ महीने जो है वादसायन जी के साथ काम किया लेकिन वाद जी ने तब भी उन्हें बहुत स्वतंत्रता दी वनों प्रतीक के समय भी उनको बहुत स्वतंत्रता दे रखी थी जबकि आप जानते हैं कि बहुत कम उम्र थी उनकी तो यहाँ भी उनको बहुत लगभग संपादक का काम वही करते थे जब आने के बाद तो एक, एक तो उसके बाद जो है जब वासन जी गए तो फिर वो जाहिर है कि लौट के नहीं आए और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वासन जी ने जब एक साल की छुट्टी ली थी तो शायद ये सोच के लिए होगी कि मैं अपनी पसंद के व्यक्ति को संपादक बना के जाऊँ तो अगर मैं एक साल की छुट्टी पर जाऊँगा तो ये संभव है कि मैं अपनी पसंद के व्यक्ति को संपादक बनाऊँ वरना जो है प्रबंधन मेरे त्यागपत्र देने के बाद किसी को भी बना सकता है उसकी मर्जी तो मैं अपनी पसंद के एक व्यक्ति को बनाता हूँ उसके बाद देखता हूँ कि आ, उस, बाकी उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा तो इस तरह करीब चार साल जूझने के बाद रघुवीर है दिनमान में आए और फिर दिनमान में जो उन्होंने किया आ, उसकी बात करना आ, उसके बारे में आप सब लोग काफ़ी कुछ आ, जानते ही हैं और बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है कई कठिनाइयाँ भी आई क्योंकि जी का कारण जो भी रहा हो उनका व्यक्तित्व जो है वो उनके कृतित्व से ज़्यादा बड़ा था शायद और रघुवीर साय का भी कृतित्व बड़ा था लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है वो हिंदी की दुनिया में वो रघु जी लगभग सर्वस्वीकृत जैसे थे और रघुवीर साय में ये सर्वस्वीकृत होने की चाह नहीं थी तो उनका व्यक्तित्व जो है इतना आ, बड़ा जो है प्रबंधन की निगाह में नहीं था तो कई कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी जैसे अब बहुत सी बातें हैं उसके दिनमान में ही सारी बात में आ, नहीं समेटना चाहता तो खैर जब मैं आ, मेरे पास ये प्रस्ताव जीवनी लिखने का प्रस्ताव आया 1916 सौ सो में 2016 में तो एक दिन मेरे पास ओम थानवी का फ़ोन आता है कि क्या आजकल कहीं आप काम तो नहीं कर रहे हैं तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूँ कहीं तो मैंने क्यों कि किसने जो है किसने किसको ये जानकारी चाहिए नहीं किसी ने ऐसे ही पूछा था मुझसे तो मैंने कहा मैं आप तो आपसे पूछ लूँ उसके अगले दिन ही अशोक वाजपेयी जी का फोन आता है कि क्या आप रघुवीर जी की जीवनी लिखना पसंद करेंगे अब ये तो मेरी इच्छा हमेशा होती है। मैं शायद लिखा भी होगा उसके पहले कि हिंदी में हमारे बड़े लेखकों की जीवनियाँ क्यों नहीं उपलब्ध हैं लेकिन ये काम कभी मुझे ही संयोग से करना होगा इसकी कल्पना मुझे नहीं थी तो मैंने जो है ये काम बहुत सोच विचारने के बाद इसको हाथ में लिया और मुझे एक साल का समय दिया गया था कि एक साल में ये काम आपको करना है और मैंने भी सोचा था कि मैं चूंकि दैनिक अखबार में बहुत लंबे अरसे तक मैंने काम किया है तो मुझे जो है डेड को निभाने की आदत है तो एक साल में ये काम मैं पूरा कर दूंगा लेकिन एक अखबार की खबर लिखना या अखबार में एक लेख लिखना दूसरी बात है और एक किताब जिसका कि एक एक ऐसे ढंग से जो कि एक प्रबंधित ढंग से किताब लिखना मैंने जैसे कविता संग्रह है कि कविता संग्रह जब आप कविता की लिखने की इच्छा हुई आपने लिखी कविताएं लेकिन और उनको जोड़ते गए और फिर एक संग्रह तैयार कर दिया लेख और टिप्पणियाँ लिखी तो उनका भी आपने इस तरह एक संग्रह तैयार कर दिया तो या कहानियाँ लिखी तो कहानियों को इस तरह धीरे धीरे लिखी कहानियों का एक आपने जब पर्याप्त हो गई तो संग्रह तैयार कर दिया लेकिन ये काम तो मुझे योजनाबद्ध ढंग से करना था और ये काम ऐसा नहीं था कि लाइब्रेरी में बैठ कर हो, हो पाता इसके लिए मुझे लोगों से मिलना था उनसे बात करनी थी अधिक से अधिक जानना था उनके परिवार के लोगों से बात करनी थी उनके बच्चों से बात करनी थी और हमारे सौभाग्य से बिमनेश्वरी जी हमारे बीच हैं तो उनसे मुझे जो है बहुत सी जानकारियाँ मिली उनके बच्चों से मुझे जानकारियाँ मिली उनके जो चार भाई हैं लखनऊ में उनसे मुझे कुछ बहुत कुछ जानने का मौक़ा मिला और, और भी तमाम जो है वो केदार जी से मेरी सीधी बात तो नहीं बात नहीं कुंवर जी से मेरी बात हुई कुंवर नारायण जी से लेकिन केदार जी ने भी दो तीन संस्मरण लिखे थे तो वो भी आधार बने अजीत कुमार से इनकी काफ़ी निकटता एक दौर में रही थी तो अजीत कुमार से भी मैंने बात की और अजीत कुमार उनके उनके न रहने का मुझे का मुझे इस इस अर्थ में भी वैसे तो सभी की इन सभी के न रहने का दुख है लेकिन उनके न रहने का एक कारण एक ये भी था कि वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी मैं एक किताब लिखूँ और वो चाहते थे कि मैं जो व्यंग्य वगैरह लिखता हूँ तो उसमें व्यंग्यात्मक शैली का भी जो है प्रभाव आए लेकिन वो मेरे लिए संभव नहीं था और मैं उनके जीवित रहते ये किताब में नहीं ला पाया कुंवर जी जब किताब आई तब कु जी भी नहीं रहे थे केदार जी भी तब तब नहीं रहे थे तो ऐसे बहुत से फिर उनके सबसे नज़दीकी दोस्तों में थे मनोज श्याम जोशी वो बहुत पहले गुजर चुके थे उनके एक और बहुत घनिष्ठ मित्र थे कृष्णनारायण कक्कड़ वो बहुत पहले गुजर चुके थे पर आ, जोशी जी मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में एक एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि जब रघुवीर साहब रचनावली आई तो उसके बहाने उन्होंने एक पूरी किताब भी लिख दी थी रघुवीर साहब पर एक संस्मरणात्मक तो उसने बहुत सहारा दिया उसका बहुत क्योंकि वो एक एक मित्र का और जो बहुत एक दौर में बहुत नज़दीक मित्र नज़दीकी मित्र रहा है उसका एक पर्सपेक्टिव अलग था और समझ सकते हैं कि जब तेईस चौबीस साल के रघुवीर साय रहे थे तब मनोहर श्याम जोशी की उनकी जो मित्रता थी तो चौबीस साल के एक जो आदमी जो शादीशुदा नहीं है उनके जो लड़कपन के बहुत से किस्से होते हैं बहुत सी चीज़ें होती है तो बहुत उनके जीवन के बहुत से दिलचस्प पहलू जो है मनोहर श्याम जोशी की पुस्तक से मुझे जानने का अवसर मिला तो आ, और लेकिन उनके पास उनके इसके अलावा मेरे हमारे पास कोई ज़्यादा किताब सुरेश शर्मा की किताब ज़रूर एक पीएचडी उन्होंने की थी उन पर लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक पीएचडी का ग्रंथ था उसमें जीवनी परक कुछ नहीं था लेकिन उनका जो दूसरा काम था जो उन्होंने रचनावली तैयार की थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई तो एक हम लोगों ने मिलकर जो है मंगले डबराल प्रयाग शुक्ल असद जैदी और मैंने मिलकर एक किताब रघुवीर जी को सोचा था हम लोगों ने कि रघुवीर जी के साठवें जन्मदिन पर हम उन्हें एक किताब भेंट करेंगे उन पर उन पर लिखे गए लेखों टिप्पणियों आदि की वो उनके इकसठवें जन्मदिन पर भी तमाम कारणों से संभव नहीं हो सका और उनके जीवन काल के बाद ही वो किताब आ पाई लेकिन उसके लिए हम लोगों ने चारों ने मिल तीन या चार बैठकों में बहुत लंबा इंटरव्यू लिया था जिसमें जीवन के तमाम पहलू निर्मान के बारे में तमाम पहलू हमने उनसे बात की थी तो उससे उन्हें हमें, हमें काफ़ी कुछ जीवन जीवनी लिखने में मदद मिली ख़ास तौर पर जो अग्गे जी के बारे में उन्होंने बहुत से लेख टिप्पणियाँ उनकी किताबों की रिव्यू लिख थी जिसमें काफ़ी आदर सम्मान जो उनके मन में था ही वो व्यक्त किया था लेकिन एक संपादक के रूप में एक पत्रकार के रूप में वो अग्जी को किस तरह देखते थे ये उस साक्षात्कार से ही पता चला और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रतीक में काम करने वाले रघुवीर शायद जिन्हों की जिन जिसको मानते थे कि वो सीखने के दिन थे उनके तो वो पत्रकार के रूप में के जी को बहुत बड़ा नहीं मानते थे बल्कि वो कहते थे कि मेरे जो है पत्रकारिता में शिक्षक जो है अग् नहीं थे उन्होंने मौका जरूर मुझे दिया लेकिन शिक्षक मेरे वो नहीं थे मेरे शिक्षक लोहिया थे और ओम प्रकाश दीपक थे तो पत्रकारिता में वो अग्ञे जी को बहुत बड़ा दर्जा नहीं देते थे तो ये सब बातें जो है उस इंटरव्यू के दौरान उनके रचनात्मकता के बारे में बहुत सी बातें खुल के आई तो उसका एक लाभ जो है जीवनी लिखने में हमें ज़रूर मिला हालांकि हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम चाह कर भी अपने सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी प्रकाशक जो है बड़े प्रकाशक तैयार नहीं हुए फिर एक छोटे प्रकाशक ने जो है उस किताब को प्रकाशित किया तो ये सब चीज़ें जो है वो मददगार बनी लेकिन बहुत से लोगों का नई न रहना भी जो है वो आ, आ, वो जीवनी लिखने में एक तरह का एक संकट तो हमारे लिए था ही क्योंकि लगभग 27 साल बाद ये काम मैंने शुरू किया था उनकी मृत्यु के भी 27 साल बाद तो कई लोग यानि मुझे आकाशवाणी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके दौर में उनके साथ काम करता था तो ऐसी कई कठिनाइया थी जो कि शायद हर जीवनी में आती होंगी बस एक सौभाग्य मुझे मेरा था कि रघुवीर जी कुल मिलाकर तीन जगहों पर रहे लखनऊ जहां उनका जीवन के करीब लगभग लगभग इक्कीस वर्ष गुजरे फिर वो दिल्ली आ गए और बहुत थोड़े समय के लिए कल्पना में वो हैदराबाद रहे तो हैदराबाद जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो लोग उनके साथ काम करते थे या जिनके जिनके कारण वो काम करने गए थे वो उसमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था तो लेकिन मुझे सौभाग्य से हमारे एक मित्र ने जो है वो कल्पना के लोगों के इंटरव्यूज़ मुझे उपलब्ध करवाए एक पुस्तक कल्पना के बारे में उपलब्ध करवाई और भी मुझे जानकारियाँ उपलब्ध होती रही तो इस तरह छुटपुट छुटपुट जानकारियों के लिए मुझे तमाम तरह से भटकना दौड़ना पड़ा और वो जरूरी काम भी था तो तो जीवनी लिखने में कुछ अपनी उसकी अपनी उसकी कठिनाइयां होती है, वो वो रही। लेकिन रघुवीर साहे जब दिल्ली आए थे तो बहुत दिलचस्प चीजें उनके साथ हुई एक तो जब वो दिल्ली आए तो वो लिखते हैं एक 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 बहुत दिलचस्प उन्होंने एक समय जनसत्ता दूसरी जनसत्ता कोई निकलती थी उसमें वो एक स्तंभ लिखा करते थे तो उस स्तंभ में उन्होंने लिखा कि जब वो आए रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो एक सरदार जी जो है वो उनको वाच कर रहे थे देख रहे थे लगातार यहाँ तक कि जब वो तांगे वाले से तय कर रहे थे कि फिरोज शाह रोड मुझे जाना है प्रतीक के दफ्तर में तो तब भी वो, वो सरदार जी कुछ बोले नहीं लेकिन उनको देखते रहे और तो उन्होंने लगा कि पता नहीं क्या है कि कोई जासूस है उस समय उनको शक हुआ हालांकि अब कोई लड़का आया है दिल्ली में तो क्या कोई जासूसी करेगा लेकिन शक हुआ उनको लेकिन वही आदमी जब वो एक बार सिंधिया हाउस जो कनॉट प्लेस में है वहाँ पर बस की प्रतीक्षा में खड़े थे तो वही सरदार जो है उनको दिखाई दिए और उन्होंने इशारे से उनको बुलाया अब ये एक नफासत पसंद शहर लखनऊ से आए थे और सरदार जी के अपने तरीक़े थे आप जानते हैं कि वो उनमें वो बात आत्मीयता बहुत होती है लेकिन वो बात कहने की शायद वो नफासत जो है वो उनमें नहीं थी तो उन्होंने करीब बुलाया रघुवीर जी को रघुवीर जी गए तो उन्होंने वो पता चला कि वो तो ज्योतिषी जी महाराज हैं वो वो बताना चाहते थे कि भाई तुम जो है यहाँ गलत आ गए हो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है ये करके प्रभावित करने की कोशिश की फिर कहा कि तुम जो है मुझे चाराने दोगे तो मैं तुम्हारा जो है तुम्हारी प्रेमिका के नाम का पहला अक्षर बता सकता हूँ जबकि रघुवीर जी कहते हैं कि उन तब तक उनकी कोई प्रेमिका नहीं थी। खैर फिर दूसरी थोड़ा आगे जगह उस सरदार से बचने के लिए दूसरी जगह फिर एक ही सरदार मिल गए वो भी ज्योतिषी थे तो वो कुछ ज़्यादा शायद बाद में मांगने लगे वो भी कहने लगे मैं जो तुमको जो है तुम्हारा भविष्य जो है तुम्हारी प्रेमिका का नाम बताता हूँ तो कुछ सेठ फार्मूले थे तो इस तरह वो पहले दिन जो है दिल्ली पहुंचे और इसके बारे में बहुत दिलचस्प चीज़ें दो तीन पीस जो है उनके बहुत दिलचस्प हैं और इतने व्यंग्यात्मक हैं कि आपको हरिशंकर शंकर परसाई की याद आती है तो रघुवीर रग, जी दिल्ली को अपना प्रदेश कहते थे दिल्ली मेरा प्रदेश उनकी किताब भी है और लखनऊ को अपना देश मानते थे पर परदेश कहने का उनका आशय ये नहीं था कि ये जो है मतलब दिल्ली के प्रति भी कुछ निंदा भाव तो उनमें था आ, लेकिन ऐसा नहीं था कि जब वो दिल्ली मेरा परदेश कहते थे तो उसका आशय यह था कि दिल्ली जैसे शहर जो है मुझे अपना एकांत देता है यानी भीड़ में अगर मैं भीड़ से जुड़ना चाहूँ तो मुझे स्वतंत्रता है और भीड़ में मैं अगर, अगर अपना एकांत ढूँढना चाहूँ तो वो एकांत भी मुझे मिला हुआ है तो भीड़ जो है यहाँ यहाँ दिल्ली जो है मुझे वो एक वो एकांत भी देती है जो कि मुझे शायद लखनऊ में नहीं मिल सकता था और तो इसलिए मेरे लिए वो प्रदेश है कि जहाँ मैं जहाँ मैं जाता हूँ तो मेरी अपनी स्वतंत्रताएँ भी बरकरार रहती हैं और जब मैं जुड़ना चाहता हूँ मैं जुड़ने के लिए स्तंत्र होते कई उनके यहाँ दिलचस्प अनुभव भी हुए एक एक और जो है वो एक साधारण गरीब आदमी थे उस समय ओखला जो है वो एक बड़ी प्रसिद्ध जगह होती थी जहाँ लोग घूमने जाया करते थे तो उन्होंने बताया कि वो इतने साधारण आदमी थे बहुत ही सा, साइकिल्स से जो है अपने परिवार के लोगों को ओखला ले जाते थे और जब भी इन्हें मिलते थे और बादशाह हो कैसे हो तो उनको मतलब वो बड़े प्रसन्न और खुश रहते थे ऐसे सरदार थे फिर उनको एक झटका दिल्ली में ये भी लगा था कि वो लखनऊ के जो काफ़ी हाउस में उस समय तमाम बौद्धिक हिंदी और उर्दू के लेखक आते थे बैठते थे बातें करते थे बड़ी बड़ी बहसें होती थी उस समय अमृतलाल नागर यशपाल और तमाम बड़े बड़े लेखक वहाँ आते थे और उनके साथ बहसें बातचीत चाय काफ़ी घंटों चलती रहती थी लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ एक एक पुराना वो मैंने भी देखा है टेंट काफ़ी हाउस हुआ करता था उस समय जो एक थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग होती थी उसके पास उससे लगा हुआ ही होता था वो तो उस काफ़ी हाउस में जब वो पहली बार गए कि चलो यहाँ का काफ़ी हाउस देखते हैं तो उन्हें यहाँ काफ़ी अजनबीपन महसूस हुआ और जब एक उन्हें लखनऊ में जो बैरा काम करता था वो भी मिला तो उन्होंने उसने इनको एक ख़ास टेबल पर बैठाया लेकिन वहाँ तीन लोग आ गए और जब इन्हें खाने का ऑर्डर दिया तो उसके बाद तीन लोग आ गए तो उन्हें बड़ा विचित्र लगा क्योंकि अभी तक जो है कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि वो ऐसे लोगों के सामने खाएं जो कि उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है जिनसे जानते पहचानते नहीं हैं तो ऐसे अजनबी लोगों के बीच में खाना जो है उन्हें बड़ा बड़ा एक विचित्र अनुभव हुआ था लेकिन खैर दिल्ली धीरे धीरे उन्हें रास आई लखनऊ उन्हें अपना देश ज़रूर लगता था लेकिन बाद में वहाँ जो परिवर्तन होते गए उन परिवर्तनों से वो बहुत ज़्यादा मतमय नहीं थे कि वहाँ लौटा जा सकता है लेकिन लौटना पड़ा था एक बीच में एक बार उन्हें जो है एक अच्छी नौकरी यहाँ मिल गई थी दिल्ली में भटक काफ़ी भटकने के बाद आ, लेकिन उनके पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और तो लखनऊ गए वो अंततः उनकी मृत्यु हो गई और फिर जो है सारे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई क्योंकि उनके सबसे मतलब उनके बाद जो सबसे उनके सारे भाई जो है उनसे दस साल छोटे थे क्योंकि वो दूसरी इनकी माँ के ये अकेले बेटे थे और उनके पिता ने भी दूसरी शादी की थी करीब दस साल बाद मतलब नौ साल बाद की होगी दस साल बाद जो है उनके उसके सारे छोटे भाई जो हैं वो उनसे दस साल छोटे हैं तो वो सब छोटे छोटे थे ये खुद भी शायद मेरे ख्याल से उनतीस साल के थे तो सारे भाई पढ़ रहे थे कोई तो कोई तो बहुत ही आरंभिक कक्षाओं में थे उनकी माँ थी दूसरी माँ जो जिन जिनसे भी उन्हें बहुत गहरा लगाव था तो उन सबका लालन पोषण करना जो है उनके उनकी जिम्मेदारी बन गई तो करीब आठ महीने उन्हें लखनऊ में रहना पड़ा सब चीज़ों को एक बार गति में लाने के लिए और समय वहाँ कोई काम खास था नहीं आकाशवाणी में कुछ काम मिल जाता था कुछ छुटपुट काम ऐसा मिल जाता तो उसी से किसी तरह वो उन्होंने गुजारा किया और एक मन तो ये था शायद उनका कि लखनऊ में ही रहें पर फिर उनको लगा कि नहीं रखलौंग में रह के जो है वो अपने इस परिवार का और उनकी, उनकी उनकी शादी भी हो चुकी थी उनके पिता ने उनकी शादी करती थी तो उनके बच्चे भी जो है मेरे ख्याल से जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब तो उनकी पहली बेटी भी हो चुकी थी तो खैर उन्होंने परिवार के उस परिवार के प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई चार भाई वो थे और बाद में कुल में चार इनकी संतानें थी तो आठ लोग और उनकी वहाँ माँ पाँच वो और ये छः लोग तो ग्यारह लोगों के परिवार का चलाने का जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ली और धर्मयुग वगैरह से जो आमदनी होती थी वो सीधे वो लखनऊ भेजा करते थे और वो जब भी जाते थे लखनऊ तो अपने भाइयों के लिए कुछ न कुछ ले जाते थे और उनके एक एक भाई ने मुझे बताया कि जब वो आते थे तो हम उनकी बहुत प्रतीक्षा करते थे क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वो लाते थे जो कि उनके लिए बहुत बहुत आकर्षक होती है वो सारी व्यवस्थाएं वो देखते थे तो बड़ी जिम्मेदारी एक पारिवारिक रूप से बहुत बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी थे और वो उन, उन, उन उनको उन्होंने कहा था कि मैं जो है सार सारे वायदे भूल सकता हूँ और कई बार वो वायदे निभाते भी नहीं थे लेकिन परिवार से कि अगर कि मैंने कोई वायदा किया है तो मैं उसे कभी भी आ, उसको उसको निभाने से चूक नहीं सकता तो खैर उनके जीवन के दिनमान का एक पक्ष है उनकी आ, कविता का एक पक्ष है और बहुत से उनके जीवन के वो दूसरा सप्तक में भी जो छपे हैं तो तब वो उन्नीस में ही उनसे आ, कविताएं उन्होंने मांग ली थी अग् जी ने और उन्नीस सौ इक्यावन में छपी थी इन्हें आप समझिए कि बाईस साल की उम्र में उनकी कविताएं जो है दूसरा सप्तक में छप चुकी थी और उन्होंने जो है कविताएं मतलब बीस साल की उम्र के होते होते दे दी थी तो इससे मतलब सारे सप्तकों में उनसे कम वय का कोई कवि शामिल नहीं हुआ और ये दे देखिए कि उसी 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 दूसरा सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह भी थे जिनके जिनके प्रति रघुवीर सिंह के मन में बहुत ही गहरा सम्मान था बहुत गहरा सम्मान अरे मैं, मैं मैं समझता हूँ कि अपने समय के या तो अज्ञे जी के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान था और या दूसरा गहरा सम्मान एक कवि के रूप में भी और एक व्यक्ति के रूप में भी जो सम्मान शमशेर जी के प्रति उनके मन में था वो भी अद्भुत था उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती और आप बहुत से लोगों को याद होगा कि शमशेर जी ने वो दिनमान ने एक काम भी किया था कि भाषाएं जो है दूसरी भारतीय भाषाएं से लोगों को परिचित कराने का काम किया था तो शमशेर जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उर्दू पाठ तैयार करें तो शमशेर जी ने ये काम किया कई बार मैंने देखा कि दिनमान में आकर किया कई बार प्रयाग शुक्ल जी उनके घर जाते थे और माँ से काम करवा के लाते थे तो किताबत वगैरह वो उसकी करते थे तो और वो बहुत अच्छे पाठ हैं और अलग से अगर पुस्तक के रूप में आज भी वो छपे हैं तो उनकी बड़ी कद्र होनी चाहिए लेकिन शायद छपे नहीं हैं तो रघुवीर शमशेर जी के प्रति उनके मन में बहुत ही गहरा आदर था बल्कि जब उनके पचहत्तरवें जन्मदिन पर जब एक समारोह हुआ तो उसमें रघुवीर जी बहुत आए और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि शमशेर जी से मिलने का आ, मौका मिला तो बहुत सी बातें हैं आ, कितनी बातें कही जाए हाँ उनके बिल्लियों से बड़ा प्रेम था और वे मानते थे कि भाईचारा बढ़ाने की इच्छा का ये सबसे कठिन और सबसे मधुर रास्ता है कि आप जानवरों से प्रेम करें और बिल्ली उन्हें विशेषकर इसलिए पसंद थी कि उनको लगता था उनकी मान्यता दियो समझती समझ थी हो शायद सही भी है कि ये स्वाभिमानी होती है जैसे कुत्ता है अगर आप उसे एक एक बार भी रोटी डालें तो आपके पीछे पीछे जो है वो आएगा या चिड़िया आपसे अपेक्षा करेंगे उसे अपेक्षा करेंगे लेकिन बिल्ली जो है वो आपसे बहुत अपेक्षा है उस तरह नहीं रखती वो और वह स्वाभिमान के साथ रहती है तो उसके उसका स्वाभिमान उन्हें पसंद था और उन्होंने बिल्लियां जो है अपने जीवन काल में अंत तक पा, पाली और एक बहुत सुंदर कहानी उनकी है चालीस की उम्र में प्रेम तो बिल्ली से उनके इस अद्भुत प्रेम की और उनकी एक बिल्ली के को मार दिए जाने की जो कथा उन्होंने कही है वो बड़ी बहुत मार्मिक है और मतलब वो उस उनके बिल्लियों के प्रति प्रेम का एक बहुत, बहुत एक मैंने पूरा अध्याय ही अलग लिखा है और उसमें बहुत से प्रसंग हैं बहुत से रोचक प्रसंग हैं तो वो भी पढ़ने लायक हैं और जानने लायक हैं और और ऐसा नहीं था कि दूसरे पशु पक्षियों से उनको प्रेम नहीं था बल्कि आखिरी दिनों में एक उनके घर में एक कबूतरी ने बच्चे दिए थे और पता नहीं दो तीन दिन चार दिन से आ नहीं रही थी पता नहीं क्या कारण था तो रघुवीर जी खुद जो है उन बच्चों को जो है वो उनके पानी का उनके खाने का प्रबंध स्वयं करते थे एक बार जोशी जी ने लिखा है कि वो रघुवीर जी के साथ उनके घर गए और उन्हों, उन्होंने जो है अपनी बेटी से शायद पूछा कि और वो अब ठीक हैं तो बेटी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है अब बेहतर है क्या स्वास्थ्य तो मनोहर श्याम जोशी समझे कि ये शायद जो है किसी बुजुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं तो पता लगा कि वो अपनी एक प्रिय बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे जिसकी तबीयत खराब थी तो बहुत अद्भुत उनका लगाव जो है बिल्लियों के प्रति और दूसरे जानवर मतलब कुत्ते से भी जो है एक बार किसी ने वो राम आल रामकृष्ण में रहते थे तो किसी ने किसी ने अपना कुत्ता पाल रखा था लेकिन वो खजेला हो गया था तो उन्होंने छोड़ दिया था उसको घर में नहीं आने देते थे तब रघुवीर जी ने उसको खिलाने पिलाने का सारा प्रबंध किया सब कुछ देखभाल की उसकी और जब बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई तो उसे फिर वो दिल्ली विश्वविद्यालय के पास कोई जहाँ पशुओं को रखा जाता है वहाँ रखवाया और उसके बारे में पता करते रहते थे और एक बार उन्होंने कहा कि अब ये कुत्ता जो है बचेगा नहीं तो इसको हम जो है वो इंजेक्शन दे देते हैं तो उन्होंने कहा नहीं फिर वो उस कुत्ते को वापस लाए वो कुत्ता स्वस्थ रहा चार पाँच साल जीवित रहा और एक दिन जो है जो कारपोरेशन की गाड़ी आई उसे ले गई तो उसका भी उनको बहुत बहुत दुख रहा तकलीफ तो ऐसा सारे जानवरों के प्रति तोता भी बच्चों की जिद पर पाला था जो कि बच नहीं पाया ऐसे वो जानवरों के प्रति जो है लगाव को मनुष्य के प्रति लगाव रखने का एक तरीका मानते थे आप और मैं बहुत ज्यादा बातों को खींचना नहीं चाहता आप जानते हैं कि उनकी एक कविता थी हमारी हिंदी और वो अपने समय की बहुत चर्चित कविता और बहुत विवादित कविता भी रही वो वह कविता जो है उनकी युग चेतना नामक पत्रिका में छपी थी जिसके एक तरह से सारे कर्ता धर्ता को नारायण जी थे और इस युग चेतना पत्र इस समय रघुवीर जी शायद कहीं काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कहा था आप मुझे संवाददाता इसका बना दीजिए तो यहाँ से वो रिपोर्ट्स भेजते थे फिल्मों की समीक्षाएं भेजते थे सांस्कृतिक परिदृश्य पे लिखते थे और उन्होंने ये हमारी हिंदी कविता भी भेजी तो कुंवर जी ये करते थे कि जो सामग्री इनके पास आती थी उनके चार पांच और संपादक थे उनको भी भेजते थे और सबकी सहमति बनने के बाद उसको छापा जाता था लेकिन ये कविता उनको अच्छी लगी और अंक जो है जाने वाला था तो उन्होंने इस कविता को छाप दिया छापने के बाद जो है वो विद्यानिवास मिश्र आदि जो लोग जो बड़े समय ताकतवर थे उन लोगों को हिंदी के प्रति जो उनका ये रुख था वो बहुत अपमानजनक लगा और उन्होंने उस समय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे कमलापति त्रिपाठी उन पर दबाव डाला और उनसे कहा कि एक आप जिस पत्रिका की 400 प्रतियां खरीदती है सरकार उसमें जो है हिंदी को लेकर अपमानजनक कविता छपी है तो जाहिर है कि कमलापति त्रिपाठी भड़क गए कुंवर जी को और उनके एक दो साथियों को बुलाया गया कहा गया कि आपको इस ये कविता छापने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी कुंवर जी ने कहा ठीक है हम लिखेंगे कर देंगे तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि ये शब्द कार्टून की तरह इस कविता को हमने छापा था और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था लेकिन इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन फिर शिकायत गई कि ये तो ये तो कोई क्षमा मांगने का तरीका नहीं हुआ तो फिर जो है फिर से जो है आ, फिर कमलापति त्रिपाठी ने बुलाया और ये नौबत आई कि एक एक उन्होंने एक सज्जन से कहा कि आप लिख के दीजिए इनको कि क्या क्या छापना है तो उन्होंने लिख के दिया और वो बहुत अपमानजनक था उस तरह छापना तो कुंवर नारायण जी ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा पत्रिका छपे न छपे लेकिन मैं इस तरह लिख कर नहीं दूंगा खैर लेकिन वो कविता बड़ी विवादित रही और तब से वो जो है हिंदी के मठाधीशों के निशाने पर रहे यहाँ तक कि एक कैलाश वाजपेयी जी ने एक प्रसंग लिखा है कि एक बार जो गीतकार थे नरेंद्र शर्मा उनका कोई खंड का आया छपा था तो उन्होंने कैलाश वाजपेयी जी से कहा है कि आप जो है किसी तरह इस कार्यक्रम में मेरे घर उन्होंने अपने घर जो है भोजन पर आमंत्रित किया था और कहा था किसी तरह आप अग्नि जी को राजी कीजिए कि वो यहाँ आए लेकिन उनको हिदायत ये दी गई थी कि आप जो है अपने परम मित्र रघुवीर साहेब को न लाइएगा उनको मत बुलाइएगा क्योंकि उस दावत में विद्यानिवास मिश्र आने वाले थे और विद्यानिवास मिश्र अपने तौर पर बड़े पावरफुल आदमी थे और वो रघुवीर साय की कविता के सख्त खिलाफ़ थे और वही वही एक तरह के निर्णायक आदमी थे जिसने कि रघुवीर जी को इतनी मुश्किलों में डाला था और युग चेतना पत्रिका को बंद करवाया था तो उनके कारण जो है वो उनको नहीं और इसलिए वो हमेशा जो है हिंदी के मठाधीशों के खिलाफ रहे और हिंदी के मठाधीशों से अलग रुख उन्होंने हिंदी को लेकर अपनाया और कहा कि हिंदी का अपने आप में स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है वो जब तक कि वो तमाम भारतीय भाषाओं के साथ वो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती तो वो हिंदीवादी उस तरह नहीं था और हिंदीवादियों को पसंद भी नहीं करते एक एक प्रसंग उन्होंने सेठ गोविंद दास के बारे में भी बड़ा दिलचस्प लिखा है वो आप उनकी रचनावली में पढ़ सकते जहाँ तक मैंने शुरू बाद में भी कहा था नए लोगों को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और कोई ऐसा कोई ऐसा मौका नहीं आया जबकि और नए लोगों को प्रोत्साहन देने के कारण ही जो है दिनमान एक अलग तरह की पत्रिका बल्कि वो तो मानते थे कि हर पाठक हर सजग पाठक जो है वो अच्छा संवाददाता भी होता है इसलिए उन्होंने संवाद प्रतियोगिता चलाई और प्रतियोगिता जिससे कि उनको स्थानीय स्तर इस की बहुत सी खबरें मिली जो तमाम किसी अखबार में कहीं नहीं छपती कई प्रतियोगिताएं की जैसे कि स्कूलों की हालत जो है छोटी छोटी जगहों में स्कूलों की हालत क्या है महात्मा गांधी की प्रतिमा की की हालत जो है गाँव में छोटी जगहों में क्या हो हु, हु, हुई है हो रही है ये सब ऐसी तमाम चीज़ें जो है उन्होंने अपनी पत्रिका में छापी और हमारे गांव कस्बे की जो है ऐसी खबरें जो कभी किसी अखबार में नहीं छपी वो उन्होंने छापी और एक बात एक और बात मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा इसके बाद खत्म करूँगा कि बहुत से लोग मानते हैं कि पत्रकारिता और साहित्य दो अलग चीज़ें हैं और पत्रकारिता जो है वो उसको साहित्य को तो क्षति पहुँचाती है लेकिन रघुवीर शाह ऐसे पहले आदमी थे पहले साहसी आदमी थे जिन्होंने लिखा कि इन दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है बल्कि यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि एक बार असगर प्रजात ने कहा कि मेरी तो इच्छा है कि आप कोई नौकरी न करें और आप सिर्फ कविताएं लिखें तो उन्होंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ इसलिए कवि तो इस तरह का उनका गहरा लगाव था और पाठकों के पत्रों को बहुत गंभीरता से लेते थे एक, एक प्रसंग है कि एक दयानंद पांडे जो आजकल लखनऊ में रहते हैं अब तो वरिष्ठ पत्रकार हो गए तो उस समय वो नए नए थे और गोरखपुर में रहते थे तो उन्होंने कोई समाचार भेजा दिनमान को छपने के लिए लेकिन वो छपा जो है पत्रों के कालों में पत्रों के स्तंभ में तो वो हमारे युवा पत्रकार जो है बहुत रघुवीर साय से नाराज हो गए ये क्या किया आपने मैंने आपको खबर भेजी थी आपने जो है इसको संपादक के नाम पत्र में छाप दिया ये तो मेरा अपमान है मेरी खबर का अपमान है तो रघुवीर साय ने उनको जवाब दिया कि देखो भाई पूरा पूरी पत्रिका तैयार हो गई थी तब आपका जो है ये खबर आई ये खबर जो आपने लिखी वो मुझे इतनी महत्वपूर्ण इतनी ज़रूरी लगी और इतनी सामयिक लगी कि मैंने जो है तत्काल उसको लेना ठीक समझा और उसे मैंने पत्रों के स्तंभ में जगह जरूर दी है लेकिन इसका भुगतान आपको एक, एक खबर भेजने वाले व्यक्ति की तरह ही होगा और वो किया गया तो ऐसा उनका जो है अपनी पत्रकारिता के प्रति भी पूरा कमिटमेंट था और साहित्य के प्रति भी उतना और वो बहुत से मतलब माँ वो मैथिली शरण गुप्त से लेकर बच्चन बच्चन जी का उन पर बहुत वो मानते हैं कि आरंभ में उन पर पर बहुत गहरा प्रभाव रहा और अज्ञे को मानते ही थे शमशेर को मानते ही थे मुक्तिबोध से उनका संपर्क व्यक्ति का संपर्क तो एक ही बार हल्का सा हुआ था लेकिन उनको अपने जो इस समय के तीन महत्वपूर्ण कवि मानते थे उसमें वो मुफ्ती बोध को भी स्थान देते थे रघुवीर सहाय दिसंबर में गए दिसंबर में ही उनका 9 दिसंबर को जन्मदिन है था मेरे ख्याल से 10 दिसंबर को उनका विवाह हुआ था और 30 दिसंबर को वो नहीं रहे तो एक तरह से दिसंबर का महीना उनके लिए बहुत एक तरह से घातक सिद्ध हुआ और उसके बाद हम सब लोगों ने जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं ख़ास तौर पर और हमारी पीढ़ी से पहले के भी लोगों ने रघुवीर साय के जाने का जो शून्य महसूस किया वो आज तक महसूस होता है और वो कभी वो रिक्ति जो है भरी नहीं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो कई स्तर पर हमें प्रभावित करते थे कई स्तर पर जो है हमसे जुड़ते थे जिस तरह वो सोचते थे ऐसे सोचने वाले लोग जो है हिंदी रचना की दुनिया में साहित्य के बारे में तो लोग सोचने वाले आपको फिर भी मिल जाएंगे लेकिन अपने समाज और समय के बारे में जैसी चेतना उनके पास थी वैसी चेतना आज तक किसी और लेखक के पास दुर्लभ है जिस तरह मौलिक ढंग से सोचने का उनका तरीका था वो तरीका जो है आपको दूसरों में नहीं मिलेगा था अगर आप उनकी तमाम रचनाएं पढ़ें कविताएं और कहानियाँ ही नहीं कहानियों से भी आपको एक नई दृष्टि मिलेगी और उनके तमाम आलेख आपको लगेगा कि एक अलग तरह की ही दुनिया एक दुनिया को अलग तरह से देखने का अंदाज़ इस ने दिया मैं अपने एक छोटे से अनुभव से ये बात समाप्त करूँगा मैं तब बंबई में नौहरा टाइम्स में काम किया करता था रघुवीर जी किसी मीटिंग के सिलसिले में वहाँ आए थे और चूँकि बंबई में मैं ही उनके थोड़ा नज़दीक था हालाँकि तो मैं तो उम्र में बहुत ही छोटा था उनसे तो मुझसे मिले और मेरे घर भी हमारे पास समझ एक कमरे का घर था घर आए और मुझे याद है कि मेथी की साग हम लाए थे तो तोड़ने में भी उन्होंने मदद की खैर तो बातचीत होती रही उनसे तो बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि देखिए मुंबई की विशेषता जी ये है कि यहाँ गरीब से गरीब आदमी का गुजारा हो जाता है मैंने वहाँ उस समय ऐसी कुछ जगह देखी थी जहाँ सूखी हुई रोटियाँ मिलती थी ताकि आप पानी से भिगो के इसको खा सके तो जाहिर है कि वो उस जमाने में आठ आने में चार आने में मिलती होंगी कोई खास वजन की तो मैंने कहा देखे ऐसे आदमी का भी गुजारा हो सकता है और और बाकी सबका भी गुजारा हो सकता है तो बम्बई में ये विशेषता है जो मुझे दिल्ली में देखने को नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी वो मुझे उनसे बहुत युवा था लेकिन जी ही लगाते थे हमेशा तो उन्होंने कहा विष्णु जी दरअसल आप इसको इस तरह समझें कि ये व्यवस्था हर एक का खून चूसना चाहती है हर एक से काम लेना चाहती है और वो का न्यूनतम से न्यूनतम देकर जो है उससे काम कराना चाहती है उससे उसकी मेहनत जो है उससे उसकी पूरी मेहनत को निचोड़ना चाहती है तो इसलिए जो है यहाँ बम्बई में इस तरह की व्यवस्था कि ताकि जो है न्यूनतम से न्यूनतम में जीकर भी जो है आदमी उसके लिए सहायक बना रहे हैं उसके उसके और 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 उससे अधिक मा, न तो की मांग ना करें तो ऐसी अद्भुत मुझे याद है कि एक बार पर्यावरणवादी कोई आए थे जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम भी करते थे तो उनको भी रघुवीर जी ने जो दृष्टि दी जबकि वो पर्यावरण से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए थे तो उन्हें भी जो दृष्टि दी उन्होंने वो मुझे मुझे चकित करने वाली थी और दिनमान में जैसा खुला वातावरण उन्होंने दिया शायद कोई दे पाए एक बार मंगले दरबार ने मुझे बताया था नितिन सिंह रावत मेरे भी अच्छे मित्र थे मित्र क्या थे मेरे वरिष्ठ थे तो एक बार उनको ऋतिक घटक के इंटरव्यू के लिए कहा ऋतिक घटक का इंटरव्यू लेने गए और ऋतिक घटक का इंटरव्यू लेने के बाद से वो तीन दिन तक तो दफ्तर नहीं आया तो रघुवीर जी भी चिंतित हुए कि भाई क्या हो गया है? मतलब रावत जी को कुछ हो तो नहीं क्या परेशान थे उस समय टेलीफोन की सुविधा तो नेत्र के पास भी नहीं थी तो चौथे दिन जब वो आए तो रघुवीर जी ने पूछा भाई कहाँ थे आप तो नेत्र रावत जो कि उप संपादक थे सबसे जूनियर सबसे जूनियर पद पर थे उन्होंने कहा कि मैं कोई मौज मस्ती नहीं कर रहा था रघुवीर जी मैं जो है इंटरव्यू लिख रहा था बस इतना कहना पर्याप्त है तो वो कभी जो है अगर वो बिल्ली को इसलिए पसंद करते थे कि स्वाभिमानी होती तो आदमी को भी उसी को पसंद करते थे जिसमें स्वाभिमान होता और उन्होंने कभी किसी आदमी से कोई बदला नहीं यहाँ तक कि श्रीकांत वर्मा जिनसे उनकी पटती नहीं थी उन्होंने कभी किसी के साथ बदला उनके उनके साथ भी कोई बदले की भावना से काम नहीं किसी के साथ कोई एक उदाहरण नहीं होगा जब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके किसी से बदला लिया हो और किसी ने विरोध किया हो तो उसे सुना नहीं हो हमारे एक मित्र हैं आप सब भी परिचित होंगे प्रकाश मनु एक बार वो किसी संयोग से उनके यहाँ गए और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने कहा कि क्या आप रघुवीर जी से मिलना चाहेंगे मैंने कहा बिल्कुल मिलना चाहूँगा वो एक किताब दे के जाने वाले थे लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं बात पूछ के बता तो चले गए वो और वो उनके रघुवीर जी के पहले संग्रह के आत्महत्या के विरुद्ध के बड़े प्रशंसक थे बात के संग्रहों के बारे में कहा कि रघुवीर जी वो बात इनमें नहीं है जो पहले थी तो रघुवीर जी ने ऐसा नहीं कि डांट मतलब तो दूसरा कोई लेखक और डांट के भगा देता रघी तो जी ने सोचते रहे थोड़ी देर में क्या कि हाँ की बात सही भी हो सकती है सही हो सकती है तो वो मैं मैं भी फ्रीलांसर के तौर पर मैं कई बार अपने कुछ मुद्दों पर अपनी असहमति बहुत तेज ढंग से व्यक्त कर देता था मुझ जैसे फ्रीलांसर से जिसके कि ज़्यादा ज़्यादातर फ्रीलांसिंग जो है दिनमान के बल पर ही चलती थी वो भी अगर कुछ बात ऐसी कहता था, था जिससे कि जो उनकी इच्छा के विपरीत होती थी उन्हें कभी जो है उसका बुरा नहीं माना तो ऐसे लेखक ऐसे उदार व्यक्तित्व बहुत बहुत कम हुए हैं तो मैं ऐसे रघुवीर साय को नमन करता हूँ और बहुत आदर से याद करता हूँ और मुझे आज ये मौका दिया गया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपसे इस बहाने अपनी किताब के बहाने कुछ बातें कहने का मौका मिला और रघुवीर जी को याद करने का एक अवसर जो है मुझे भी मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी जो इतनी देर से धेरे से मेरी अटपटी बातों को सुनते रहे बहुत धन्यवाद